सो गाइज़ ये है Realme Buds Wireless और इसको मैंने परचेस किया है अमेजन से। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज मैं आपको इसको सेटअप करने के पूरा जो है वो बताता हूँ। को फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Realme का लोगो जो है वो दिया हुआ है, तो उसमें आपको 2-3 सेकंड के लिए आपको टैप करना है, दबाए रहना है और उसके बाद इसको आपको छोड़ना है। सो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार आपको यहाँ पर टैप करना है और उसके बाद ये जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगा। तो ब्लू लाइट ब्लिंक जब करेगा तब जाकर आपको जो है वो फ़ोन में आपको ये सेटअप करना है। तो फ़ोन में आप जाइए और फ़ोन में आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको इसको पेयर करना है। तो मैंने पेयर कर रखा है, तो एक बार जब आप पेयर कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है वो बैटरी जो है वो बता रहा है कि कितने इसका जो है वो पावर है अभी बचा हुआ। तो यहाँ पे 80% इसका जो है वो बैटरी लेवल बता रहा है। कॉल के लिए और म्यूजिक सुनने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको जो है वो ब्लूटूथ के पास जो लोगो है वहाँ पे आपको जो है बैटरी का साइन जो है वो दिख रहा होगा। सो गाइस इसको सेटअप करने के बाद मेन बात ये है कि इसमें जो है वो सेंसर यूज़ किया गया है। वो सेंसर क्या करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो सेंसर क्या करता है। एक बार आप अगर पेयर कर लिए तो बार बार आपको इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ऑफ होता है, ऑन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये सब होता है। और इसको चार्ज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको ये जो जगह मिलता है यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी जो है वो अटैच करना है, जो इसके साथ फ्री मिलता है केबल। तो यहाँ पे आपको ये अटैच करना है और उसके बाद इसको अपने चार्जर में या पीसी में लगाना है। तो यहाँ पे जो है वो रेड कलर का जो है वो लाइट जो है वो जलने लगेगा। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेंसर है वो किस तरह से वर्क करता है। तो गाइज पेयर करने के बाद आपको इस तरह से आपको इसको पहनना है और यहाँ पे जो है आपको अपने ईयर्स में लगाना है। तो यहाँ पे जो सेंसर यूज़ किया गया है वो क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप इसको यहाँ अपने ईयर्स पे लगाएंगे और जो सॉन्ग है वो सुनेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है इसका सेंसर। तो मैं एक जो है वो सॉन्ग लगाता हूँ और गाइज इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसमें जो ड्राइवर्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। सारा जो साउंड का बेस, ट्रबल, मिड सब कुछ जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। बेस आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है, बेस पुस्टेड ड्राइवर जो है वो यूज़ किया गया है जो बहुत ही बेहतरीन है इस ईयरफोन में। ये जो फीचर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं ये सॉन्ग जो है वो सुन रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है। और इसको आपको किस तरह से पॉज करना है, अगर आपको पॉज करना है तो यहाँ पे आपको जो है वो बीच में जो आर का जो लोगो मैंने आपको बताया था रियल मी का, वो आपको एक बार टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया यहाँ पे ये जो रुक गया है, और फिर से मैं एक बार इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो प्ले हो गया है। साउंड अप डाउन के लिए भी जो है वो इसमें बटन दिया गया है, देख सकते हैं इस तरह से साउंड जो है वो वर्क करता है। अभी साउंड जो है वो मेरे ईयरबड्स में आ रहा है और जैसे ही इसको मैं नीचे निकालता हूँ और निकाल कर मैं इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करता हूँ, ये देखिए जैसे मैं इसको इस तरह से अटैच किया और अब मैं प्ले करूँगा, ये रुक गया और अब मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो साउंड है वो अब फ़ोन में आने लगा है। तो जैसे ही मैं इस ईयरफोन को अपने ईयर में लगाता हूँ तो इस जो फ़ोन का साउंड जो आ रहा है म्यूज़िक का वो जो है वो मेरे ईयरफोन में आने लगेगा ऑटोमेटिकली, ये सेंसर का वर्क है। मैं आपको दिखाता हूँ, और अब जो है वो मेरे ईयरफोन में ये साउंड जो है वो आ रहा है डायरेक्टली। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है एक बार आप अपने फ़ोन को पेयर कर लीजिए और उसके बाद जो है वो आपको बार बार इसको ऑफ ऑन और पेयर करने का ज़रूरत नहीं है। बस ब्लूटूथ ऑन कीजिए और ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके फ़ोन को जो है वो पेयर कर लेगा और सेंसर जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।